Again, from the state of Uttar Pradesh, where heavy rains have led to a deluge in multiple districts of Uttar Pradesh, from state capital Lucknow to other cities like Barabanki, Amroha, and Muradabad. Several streets are waterlogged, with people wading through waist-deep water in many of these cities. In fact, due to the rains, 3 out of 10 gates in Gomti Barrage have now been opened to release the excess water. UP Chief Minister has announced that government will provide relief to those in worst-hit areas. Remember, Weather Department has also issued a rain warning for the next 24 hours and has also issued safety guidelines for the residents. My colleague Manisha brings us this report from Lucknow, where a road has caved in. Take a look at that report. लखनऊ में बारिश की मार कितनी भयावह होती जा रही है वो इस चीज से समझिए। देखिए, ये 1090 का चौराहा है और यहां से पराग की तरफ जो रोड जाता है वो बारिश के चलते धस गया है। बगल में गोमती नदी से सटा हुआ एक नाला है, वो बह रहा है और देखिए उसके पास ये पूरा रोड धस गया है। प्रशासन ने जैसे ही सूचना मिली उसके बाद ये बुलडोजर लगाकर इस धसे हुए रोड को ठीक कराने का काम चल रहा है, लेकिन तब तक के लिए इस पूरे रोड को जाम कर दिया गया है, बैरिकेटिंग लगा दी गई है। 1090 और 5 कालिदास मार्ग से जितने वाहन आ रहे हैं उन्हें यहां पर आने की इजाज़त नहीं है। सामने देखिए बैरिकेट लगा दिया गया है, वहां से वाहन को सीधे पुराने बैराज से होकर गुजरने दिया जा रहा है। जो गोमती नगर जाने वाले लोग हैं वो इधर होके जा सकते हैं, चूँकि यहाँ पर विधायक निवास भी है, बहुखंडी विधायक निवास है, तमाम विधायक भी रहते हैं, तो अब उन्हें दूसरी तरफ से घूमकर जाना पड़ रहा है क्योंकि रोड धंसा हुआ है। हालांकि मरम्मत का काम जोरों पर किया जा रहा है, लेकिन बारिश कितनी नुकसानदायक साबित हो रही है लखनऊ के लिए वो इस चीज़ से समझ में आ रहा है कि जगह जगह इलाकों में जलभराव है। सुसान गोल्ड सिटी के कई इलाके डूबे हुए हैं और कई जगह सड़क धंस गई है, जिसके चलते लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। My colleague Vinod brings us this report from a hospital in Lucknow, which has been flooded by rainwater. Take a look at that report. मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये, और यहाँ भी अस्पताल के अंदर तक पानी जो है वो घुसा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर जो है अस्पताल में वो भी पानी के अंदर है। आपको दिखाएं, पानी निकालने के लिए बकायदा वाटर पंपिंग मशीन यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है, ताकि जो अंदर का अस्पताल के अंदर का पानी है उसको पंप आउट करके बाहर किया जाए। ये हालत है कि बारिश हुई और पानी जो है अस्पताल के अंदर तक घुस गया। इस हॉस्पिटल में पानी तो अस्पताल के अंदर ही घुस गया था। कब से परेशान है आप लोग, कब से ही निकाल रहे हैं पानी, कितने घंटे हो गए? रात ही से पानी गिर रहा है। जी, कब से ये पानी अंदर भी आ गया था? अंदर जब से बेटा हमारी उम्र आ रही है इतनी, मैंने कभी ऐसा बादल गरजता नहीं देखा है। ये हंसते ये रोते कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी एक दिन मरते हैं जो रहते दरिया के किनारे हैं। बहुत सही सही है। तो ऐसी बारिश मैंने जिंदगी बारिश तो बहुत देखी, सूरज कभी नहीं निकला, मतलब कभी निकला लेकिन बादल गरजता ऐसा नहीं देखा जैसे ये रात। ये जो कह रहे हैं वो रात को इतनी तेज बिजली कड़क रही थी कि सच में लोग सहमा गए थे, घरों के अंदर जो थे वो डरे हुए थे। ये देखिए तमाम जो मशीनें हैं, महंगी मशीनें अस्पतालों में होती हैं, ये सब भी खराब होने का खतरा है क्योंकि अंदर पानी घुस गया था। तमाम जो एम्प्लॉयज हैं वो पानी को बाहर निकाल रहे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं, मशीन पाइप लगाई गई है ताकि पानी को ड्रेन आउट किया जा सके। तो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से परेशानी जो है अस्पतालों के अंदर भी लोगों को होगी। Meanwhile, Times Network reached Muradabad's Bholenath colony, where people have to take the help of boats to get out of their homes. The entire area is surrounded with water, especially the dirty water coming from the urban areas. People allege that they have been paying all the taxes to the municipal corporation, but the situation remains the same. Take a look at this report. पिछले 2-3 दिनों से हो रही बरसात कासर मुरादाबाद में भयंकर तरीके से सामने आया। इस समय हम नाव से कवरेज कर रहे हैं। ये मजौला इलाके की भोलानाथ कॉलोनी है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी हर तरफ पानी नज़र आएगा, कई कई फीट पानी भरा हुआ है। कल हमने देखा था कि जो मुरादाबाद शहर का जो बुद्ध बाजार इलाका है वहाँ भी 3 से 4 फीट पानी भर गया था, और लोगों को खासी परेशानी हुई थी, व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी क्योंकि उनके शोरूम हो दुकान हो सब में सामान खराब हो गया है और लाखों रुपये का उनका नुकसान हुआ है। अभी हम भोलानाथ कॉलोनी में है, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ जहाँ भी आप देखें लोग परेशान हैं, घरों में बंद हो गए हैं, पिछले कई दिनों से घरों में बंद हैं, और हम नाव से कवरेज कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो लोगों की सहायता के लिए नाव चला रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं जो राशन भी पहुँचा रहे हैं। ये शहरी इलाका, हम किसी ग्रामीण इलाके में नहीं है, शहरी इलाका है और ये बरसात का पानी है। परेशानी यही परेशानी है पानी की और काय की है।
कब से भरा हुआ है? क्या होगा, दो ढाई महीने से भर हुए, बल्कि और ज्यादा ही होगा, तीन महीने का लपेट में भरी। हर साल भर जाता है क्या? देते हैं, सब कुछ जाता है। किस जाता है बताओ ना? नगर निगम वालों को देते हैं। कितना टैक्स देते हैं? अब ये तो भाई मकान के ऊपर है, कितना है वो देते हैं। फिर ये मतलब पानी चारों तरफ भरा हुआ कैसे कैसे जाते हो बाहर? पानी में होके यहाँ पे दिक्कत बहुत है, खाने पीने में लेने जाने में परेशानी होती है। और कल नाव नहीं थी तो कल नाव के लिए मैंने फोन करा था, जो भैया नाव लेके आए। और यहाँ पे दिक्कत बहुत होती है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होती है और घर में भी बहुत सारी परेशानी आ जाती है पानी से। घर के अंदर तक पानी जा रहा है ऐसे समझो। पानी तो ये करीब हो गए 7-8 महीना तो हो ही गया कम से कम। अब की ना सूखा है, अब की जल्दी पानी। और इधर जो दीवार इधर की टूटी है एमडी कॉलोनी की, उससे ज्यादा दिक्कत है, उसी से पानी आता है यहाँ पे। 7-8 महीने हो गए तो भरे हुए। नहीं, जैसे 2-3 दिन से बरसात हो रही है उसका कितना प्रभाव? तब तो काफी पानी भरा हुआ है। अच्छा, तो आपने नगर निगम या कहीं कुछ बात नहीं की आपने क्या? नगर नियम से बात करी थी। वो कह रहे थे नाव डलवा देते हैं, नाव भी टूटी हुई है, उसमें कभी उसमें एक जना पानी निकालने के लिए बैठता है, कभी भी पानी भर जाता है नाव में। और समझ लो कभी भी ये नाले की दीवारें टूट जाती हैं तो इससे